यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एसओ साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एसओ साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता सुखी रखे, माता रानी खुशियां बख्शे। वो कहते हैं ना कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं और ये काफी हद तक सही भी है। कई जातकों की कुंडली में प्रेम विवाह मौजूद होता है। वो कौन सी स्थितियाँ होती हैं जो प्रेम विवाह के लिए जिम्मेदार होती हैं, ये सब जानेंगे हम अपने एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ। और इसके साथ साथ आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। लेकिन गुरुदेव, रिलेशनशिप की हम सबसे पहले बात करेंगे। दो लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बीच में कोई तीसरा पर्सन आ गया, दोनों का रिलेशनशिप खराब कर दिया, दोनों के प्यार में दरार डाल दी, इसका कारण और निवारण। लाल किताब में एक बात आती है जिसमें कहा जाता है भोला बादशाह। भोला बादशाह उसको कहा जाता है जिसको अच्छे और बुरे की अपने लिए समझ नहीं होती, जो कभी भी दूसरे के बहकावे में आकर के गलती कर सकता है और अपना अच्छा बुरा तोलने की उसमें विल ही नहीं होती। वो भाव में बहता है, जो सामने वाला बोल रहा हो उसके अनुसार बह जाता है। इसको बोलते हैं भोला बादशाह। ठीक है, जब ये भोले बादशाह इमोशनल होकर के प्यार कर बैठते हैं, हो जाता है, और उसके बाद में इनको बहकाने के लिए कोई भी आ जाता है। और इसके लिए जिम्मेवार जन्म कुंडली का पांचवा घर होता है प्यार करवाने के लिए। लेकिन प्यार को तोड़वाने के लिए और प्यार के बाद फिर प्यार हो और एक के रहते हुए दूसरे के साथ प्यार हो, ऐसे में जिम्मेवार होते हैं पापी ग्रह, यानी शनि, शुक्र और राहु या केतु। ये जब आपस में मिल जाते हैं तो इसमें कई तरह की कहानी है बेटा, जिसके चलते हुए क्या पांचवें घर में बैठा हुआ ग्रह प्यार करवा रहा है। लेकिन अगर ये आपस में दृष्टि से इकट्ठे हैं शनि, शुक्र, राहु या केतु, तो ये एक समय के ऊपर कई लोगों के साथ, लाल किताब में इस तरह का जिक्र आता है कि एक ही समय में कई कई जगह पर कामदेव का खेल खेल रहा होगा। अब जो कर रहा है उसकी अकल उसको प्रेरित करती है तो क्या फर्क पड़ता है, या वो एक से छुपा के दूसरे के साथ मिलता है, तीसरे के साथ मिलता है, इस तरह के हालात वो बना देता है। तो ये जो खेल है इसको रोकना बहुत जरूरी होता है। कारण क्या है, अगर ये खेल ऐसे ही चलता रहा तो बेटा बीमारियां ऐसी ऐसी इंसान को लगती हैं जो साफ तौर पर ये लिखी हुई मिलती है जन्म कुंडली के अंदर, कि स्किन की प्रॉब्लम रहेगी, पेशाब वाली जगह के इन्फेक्शन आएंगे, बुद्धि खराब हो जाएगी, हर जगह अपना अच्छा बुरा आप जो कमाई के लिए और दुनियादारी के लिए सोचने वाले हो उसके बीच में ये बुरी बातें आपके दिमाग के अंदर घर करती जाएंगी और आप कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण ज़िंदगी के अंदर जो तरक्की मिलनी चाहिए, जो कामयाबी होनी चाहिए, वो अधूरी रह जाएगी। इसीलिए इस चीज़ को बुरा माना जाता है। इन लोगों को हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला 10 साबुत बादाम दान देने चाहिए, और अगर कोई दान ना ले तो उस अवस्था में बहते जल में बहा देने चाहिए। और ये बुरी लत अगर छूट जाए तो ज़्यादा उत्तम है। एक जगह प्यार करके सेट होना आदमी के लिए अमृत बन गया, ठीक है, इंसान है, हो जाता है, लेकिन जगह जगह प्यार बरसाना एक तरह का अपने आप को ख़राब करना, अपने नसीब को ख़राब करना, अपनी वर्किंग को ख़राब करना, ये उसमें ले जाता है और इंसान बर्बाद का बर्बाद रहता है। तो इसीलिए इसके साथ में इंसान की तरक्की और कामयाबी भी जुड़ी हुई है, इसलिए इनको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए जिनके साथ ये समस्या है। सटीक उपाय आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिल सकते हैं। और आपकी कुंडली में लव रिलेशनशिप का योग है या नहीं, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अब मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। मेष राशि,
मेष राशि वालों के लिए आज भी दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज के दिन भी बनते बनते कामों के अंदर तकलीफ आना, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहना, अपनी जिम्मेवारियों को ओट करके उनको करने की कोशिश करना और इसके अंदर स्वास्थ्य का भी खराब होना, लाभ का भी खराब होना, दोनों ही योग चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको दूध का दान या खोए के पेड़ों का दान आपको भैरव मंदिर में करना चाहिए, शनि मंदिर में करना चाहिए, तब दिन की शुरुआत अच्छी होगी, तब दिन बढ़िया हो सकता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लोग आज प्लानिंग बनाने में दिन गुजार ले तो अच्छा है कि प्लानिंगें बनाएं, लेकिन पैसा ना खर्च करें, एग्जीक्यूट ना ज़्यादा करें। और जो लोग नए काम की प्लानिंग नहीं बना रहे उनके लिए आज थोड़ा संभल के रहने का दिन है। आज के दिन कोई खास प्रिय ही आपको पैसे का नुकसान दे सकता है और आपके मन के अंदर जो स्वार्थ की भावनाएं हैं उनके चक्कर में फंस के भी आप नुकसान उठा सकते हैं। तो इसीलिए आज थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखें, एक आध दिन गुजर जाने दीजिए, फिर अपनी प्लानिंगों पर काम करिए, यह आपके लिए ठीक रहेगा। कन्याओं को कुछ भी आज मीठा दे करके, पाहुआ लगा के, आशीर्वाद लेकर तब दिन की शुरुआत करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लोग आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर जाएंगे, क्योंकि जैसी आपका भावना है वैसे ही तो फल आने वाले हैं। आज के दिन परिवार वालों के साथ में अच्छा समय, परिवार वालों के बारे में सोचना, परिवार वालों के लिए करना, उनको किसी को भी अगर मुसीबत आती है उसके लिए हल तलाश करना और साथ में उसके मिलकर मेहनत करके उनको कामयाबी दिलाना, इस तरह का दिन है आपका आज। तो आज का दिन दूसरों के नाम ही होने वाला है, इसीलिए गेंदे के फूलों की माला माता रानी को अवश्य चढ़ाएं ताकि पूरा कामयाबी भरा दिन हो और अच्छे फील वाला दिन हो। गुरुदेव, रिलेशनशिप में कोई एक पर्सन चीट कर दे तो उसके पीछे कौन से ग्रहीय कारण हो सकते हैं? बेटा, ये ऐसा ग्रहीय कारण है जिसको आदमी मानता नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ना कि रिलेशनशिप ये जो तैयार होती है मर्जी से, जो तैयार होती है, एक रिलेशनशिप हो कि आपने अरेंज मैरिज की है और दूसरी रिलेशनशिप ये है कि आपने अपनी मर्जी से रिश्ता बनाया है। इन दोनों के अलग अलग कारण। अगर आपने अपनी मनमर्जी से रिश्ता बनाया है और उसके बाद चीट कर रहे हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर जन्म कुंडली के आठवें घर के अंदर जो भी ग्रह बैठा हुआ है वो आपके साथ चीटिंग कर रहा है और वही आपकी रिलेशनशिप को बिगाड़ के आपके साथी को दूसरी जगह भेज रहा है। तो इसका सही मायने में अगर इसका उपाय हम देखें तो आपको अपनी जन्म कुंडली एस्ट्रो साइंस ऐप पे बना करके उसके अंदर वशिष्ठ कुंडली का ऑप्शन आप सेलेक्ट करें, देखें जन्म कुंडली के आठवें घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। आप पास के मंदिर के पंडित जी से या हमारे कॉल सेंटर से पूछ सकते हैं कि इस ग्रह की वस्तुएं क्या हैं, वो लेकर के आप सिर्फ मंदिर में देना शुरू कर देंगे तो ये चीटिंग बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है और तब आपको चीटिंग मिल रही है तो ऐसी अवस्था के अंदर जन्म कुंडली के दूसरे घर के अंदर कोई ना कोई ग्रह ऐसा बैठा हुआ है जो आपको चीट कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी अवस्था में दूसरे घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ है वो आप अपनी जन्म कुंडली बनाकर वशिष्ठ ज्योतिष का ऑप्शन सेलेक्ट करके जन्म कुंडली का देखें दूसरे घर में कौन सा है, उसकी वस्तुओं को लेकर के गरीबों में बांटना शुरू करिए। तो ऐसी अवस्था में अरेंज मैरिज के अंदर भी जो आपके दुख हैं वो खत्म होंगे और आप खुशहाल जिंदगी को प्राप्त करेंगे। बहुत खूब, चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि, कर्क राशि वाले आज चाहे अपना दिन बिगाड़ लें और चाहे सवार लें, अगर नेगेटिव सोच रखी, अपने आप की ही ख्वाहिशों को आगे रखा और शिकायतें करें कि आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलते, मेरे को ये नहीं देते, मेरे को वो नहीं लेते, इस तरह से अगर दिन किया तो आपका दिन खराब होने वाला। इसके विपरीत अपने यार दोस्त, अपने पार्टनर, अपने कामकाज के सहयोगी, उनके साथ मिलकर के खुशी खुशी किसी भी काम को अंजाम देने की तरफ गए तो तब आप हीरो होंगे।
क्योंकि कुंडली कामकाज को सपोर्ट कर रही है या दूसरों के साथ मिलकर के कोई भी कार्य को करना वो उसको सपोर्ट कर रही है, नेगेटिविटी को नहीं। नेगेटिव हो गए तो पूरा ही दिन खराब होने वाला है। तो इसीलिए भोलेनाथ को जल चढ़ाना और कुछ मिठाई का भाव मंदिर में देना आज के दिन को आपको और शुभ करेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों का आज चंद्रमा बीच में फंस गया शनि और राहु के, जिसके चलते हुए जीवन साथी के सुख, जीवन साथी का स्वभाव, स्वास्थ्य, इनकी तरफ से कुछ तकलीफें आने का योग है। और आज के दिन अगर आप कोई नई नई प्लानिंग बना करके कुछ भी नया करने के चक्कर में है तो वो मामला खराब होगा। कोई भी घर में पेंट पॉलिश कराना हो, किसी चीज़ को रंग करना हो, उससे संबंधित किसी तरह की कोई प्लानिंग हो, ये आपकी बेकार जाने वाली है, खराब होने वाली है। तो इसलिए इन चीज़ों को छोड़ के बाकी और हिस्सों के अंदर शुभ परिणाम होंगे। बस आज के दिन थोड़ा सा सरसों का तेल, उड़द साबुत अगर किसी गरीब को दान देंगे तब आपका दिन उत्तम हो सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि के वो लोग जो गलत प्रकार का कोई लेन देन करने वाले हैं, जो सरकार की नज़र में अच्छा ना हो, उससे आज बचाव रखें, वरना कोई भी सरकारी डंडा आपके सर पर आ सकता है। हाँ, सपने बड़े हैं, करना बहुत कुछ चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा संभल करके रहें। और ख़ास तौर पे बुरे यार दोस्त, बुरी संगति, इससे आज परहेज बना करके रखें, आपके लिए उत्तम होगा। थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी देसी खांड मंदिर में देकर तब दिन की शुरुआत करें और बचाव में दिन गुजारें, ज़्यादा उत्तम रहेगा। गुरुदेव, पास्ट लाइफ बहुत बेकार रही है, मल्टीपल जगह इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन एक ऐसा पार्टनर मिल गया है जिसके साथ अब सेटल होना चाह रहे हैं, लेकिन पास्ट इतना खतरनाक है कि वो प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसके कारण बताइए और निवारण भी बताएं। बेटा, इस इनसिक्योरिटी के अंदर आज की डेट में लड़के और लड़कियां बराबर हमारे पास आ रहे हैं और इसकी रेशो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो इनसिक्योर हैं, डरे हुए हैं, अपनी फिजिकली और मेंटली हालात के प्रति पूरे शक में हैं, और जिसके कारण इस डर के मारे उनके भरोसेमंद साथी मिल रहा है लेकिन उसके पास जाने से भी डरते हैं कि कल को ये रिश्ता खराब हो जाएगा। ये जो चीज़ होती है इसको हम लोग, इसको भी बुध खराब बोलते हैं। और ये बुध खराब के ये जो लोग होते हैं, इनको शुरुआती उम्र में, इनकी लगभग 17 साल की उम्र के आसपास से ये बेटा नशे की तरफ भी चले जाते हैं, और नशे में ये सिगरेट वगैरह पीना, शराब पीना या और प्रकार के नशे इस तरफ भी चले जाते हैं, और साथ में ये शारीरिक इन्वॉल्वमेंट मल्टीपल लोगों के साथ करते हैं, और जिसके कारण इनकी बुद्धि पहले इनकी 17 साल की उम्र से लेके 28 साल की उम्र तक ये इसी तरह का खेल खिलवाते हैं, और 28 से 33 के अंदर नेगेटिविटी में ले जा करके इनको डिप्रेशन वाले माहौल में लेके जाते हैं, और उसी वक्त में साथी मिलता है, क्योंकि 28 साल से 33 साल का अरसा ऐसा होता है जिसमें साथी मिलते हैं, क्योंकि मंगल का समय होता है, तो वहाँ जाके ये इनसिक्योरिटी बन जाती है। पर बेटा, इंसान है, ग्रह है, आप जानते नहीं थे, गलतियाँ तो हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी अवस्था के अंदर अगर आप बुध को ठीक करते हैं तो तब जा करके अच्छे हालात उत्पन्न होंगे। और अगर बुध को अच्छा करना है तो उसको अपने मित्र ग्रह की सपोर्ट भी देनी पड़ेगी और उसके दान भी करने पड़ेंगे, तो वो कैसे ठीक होगा? सबसे पहले अपनी बुद्धि के अंदर दृढ़ता बनाने के लिए और दोबारा गलती ना करने के लिए आपको ये नाक के बीच वाला हिस्सा, यहाँ पर आपको इसका छेदन करवा के इसके अंदर सोने की या चांदी की तार कम से कम 96 दिन के लिए डालनी चाहिए, और 96 दिन के बाद निकाल के उसको घर से बाहर फेंकिए, घर में नहीं रखनी, ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी बता देता हूँ ये क्यों पक्ष करवाया जाता है। ये जो हमारी नासिका का ये वाला बीच वाला पोर्शन है, इसका जो संबंध है हमारे तालु के साथ, जहाँ सोच बनती है, जहाँ निश्चय, दृढ़ निश्चय या फिसलना बनता है, जब ये हिस्सा बंद होता है तो आदमी की अपनी बुद्धि होती ही नहीं है,
ढंग से, समझे? तो ऐसी अवस्था में अपनी बुद्धि खुले, दृढ़ निश्चय पे आप बने रहे, इसके लिए नाक छेदन करवाना बहुत जरूरी होता है। ठीक ये करेंगे। दूसरा, बुध को शनि की सहायता देनी है, क्योंकि बुध को शनि की जैसे ही सहायता दी, ठीक है, ऐसी अवस्था के अंदर बेटा अपने आप ही तेजी चलाकी अपना अच्छा बुरा सब समझ आने लगता है। तो उसके लिए लोहे की गोली पे लाल रंग करके, ठीक है, लाल रंग की नेल पॉलिश कर लीजिए, वो करके अपनी जेब में रखें, ठीक है। और यहाँ पर चंद्र और बृहस्पति को मजबूत करना साथ में ज़रूरी, क्योंकि वही जीवन खराब कर रहे हैं, साथ में बुध की वजह से खराब हो रहे हैं। तो 100 ग्राम चावल या 400 ग्राम चावल हल्दी से पीले करके 43 दिन वो जल प्रवाह करें, और हर बुधवार को मिट्टी के लोटे में मशरूम भर के वो मंदिर में दें। ये उपाय अगर आप करते हैं तो तब जाकर के जीवन और बुद्धि दोनों आपके काबू में आएगा, तब आप गृहस्थी के खुशहाल सुखों को भोग पाएंगे, नहीं तो तकलीफ बनी ही रहेगी। आपके जीवन में खुशियां हैं या नहीं, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अब बात करेंगे तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि के लोग आज थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, और ये कंफ्यूजन अगर आपने ज्यादा बढ़ाया तो दिक्कत हो जाएगी, और माँ के स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत हो सकती है, और आपके ससुराल वालों की तरफ से भी कोई ना कोई खराबी का समाचार हो सकता है। तो इसीलिए आज के दिन कुत्ते कौओं की सेवा ही आपके दिन को उत्तम करेगी। इसके साथ में अगर आप थोड़ा सा मीठा डाल के भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए हर तरह से मेहनत के लिए आज का दिन अच्छा है, लेकिन उस मेहनत के एवज में आज बहुत कुछ प्राप्त हो इसके लिए दिन ज़्यादा अच्छा नहीं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों की तरफ भी कोई ना कोई छोटी मोटी चोट चपेट होना, उनकी तरफ से दिमागी तकरार होना, बेटा इस तरह के हालात बन रहे हैं, और लाभ की खराबी का दिन चल रहा है आज। तो इसीलिए आज ज़रूरी चीज़ों पे जो मेहनत करनी है वो ज़रूर करें, लेकिन लाभ की अपेक्षा आज के दिन ना करें। और आपके ननिहाल की तरफ से भी कोई ना कोई अशुभ समाचार बन सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आज सुबह सवेरे दूध और शहद या दूध और देसी खांड ये मंदिर में अर्पित करें, और माता रानी पे चढ़े हुए फूल को जेब में रखकर तब दिन की शुरुआत करें, तब दिन आपका शुभ होगा। धनु राशि वालों का आज अपना पराक्रम तो बेहतरीन है, उससे कुछ प्राप्त करना वो भी बेहतरीन है, किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स के काम हो वो भी बेहतरीन है, रजिस्ट्री वगैरह करवानी हो वो भी ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए तो बेहतर है। लेकिन अपने ससुराल परिवार और अपना खुद का कुनबा आपकी कड़वी बोली की वजह से त्रस्त हो सकता है, और जिसके कारण घर में आज शांति के माहौल में कमी नज़र आ रही है। और आज के दिन खास तौर पे अगर किसी की तरह की तोड़फोड़ घर में करवानी है तो उसको सकेत रखें, ना करवाएं, वरना इससे जो बीमारी उत्पन्न होगी वो लंबे समय तक चलेगी, किसी को भी आ सकती है। तो तोड़फोड़ से परहेज रखें, गुस्सा ना करें, वाणी को कड़वा ना होने दें, बाकी का दिन तो उत्तम ही है, ठीक है। तो इसीलिए आज हो सके नहाते समय दूध का गिलास शरीर पर मलकर तब नहाएं, या फिर नहाने के बाद दूध दही या देसी घी का तिलक लगा के तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, अगला सवाल कि रिलेशनशिप खत्म हो गया लेकिन अब वो एक तरफा बचा है, एक पर्सन बार बार पोक कर रहा है कि मुझे रिलेशनशिप में वापस आना है, जबकि दूसरा उस रिलेशनशिप में वापस नहीं आना चाह रहा, तो ऐसे में क्या कारण है और क्या उपाय किए जा सकते हैं? ये बेटा हालात तब बनते हैं जब चंद्र और मंगल पापी ग्रहों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में पहले तो दोनों ही लड़ते हैं, दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पाते, दोनों ही एक दूसरे की शिकायतें करते हैं, बीमार भी होते हैं, उसमें पैसा प्रॉपर्टी भी खराब होता है, और एक दूसरे की परवाह किए बिना चलते हैं। लेकिन जब ये पापी ग्रह की दृष्टि हटती है, लेकिन परमानेंट कुंडली के अंदर तो है, तो ऐसी अवस्था के अंदर लक्ष्मी नारायण योग खत्म हो जाता है। और जब तक ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहे
तब तक लक्ष्मी और नारायण इकट्ठे रहते हैं, और जैसे ही ये टूटता है तो तब मामला खराब हो जाता है। तो ये लक्ष्मी और नारायण को दोबारा मिलाना है, और अगर इनको दोबारा मिला दिया सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और इसको रिलेशनशिप मान लो टूट के बाद में फिर बनाना चाहते हो तो इसके लिए करना क्या है, स्टील की कटोरी, स्टील की कटोरी लो, एक अनार लो, अनार का पूरा छिलका उतार लो, और उतार के बीज आप यूज़ कर लो, दान कर दो, कुछ भी कर लो, बीज नहीं लेने। उस एक अनार के छिलके के आपने छोटे छोटे करके 84 टुकड़े करके स्टील की कटोरी में डाल देना है, और उसको दूध से भरना है। दूध से भर के अपने सराहने रख के सोना है, और सुबह नहा धो करके आप वो कटोरी उठाइए और मंदिर के अंदर लगे हुए पीपल के नीचे उसको रखाइए, कटोरी वहीं छोड़ाइए। यानी अगर आपको ये 43 दिन उपाय करना है तो 43 दिन तक आपको रोज नई कटोरी लेनी पड़ेगी। इससे चंद्र, मंगल, शुक्र, बृहस्पति और बुध, इन सबको जब मिला करके हम पीपल के नीचे जोड़ते, यानी बृहस्पति उसमें जुड़ जाता है, तो जब ये सारे दूसरे घर में इकट्ठे होते हैं, ये सारे ही ग्रह ऐसे हैं ये दूसरे घर के अंदर पाप ही नहीं करते, तकलीफ ही नहीं देते, तो अपने आप वो अट्रैक्ट करने वाली ऊर्जा बनने लगती है, जिससे कि जीवन साथी अगर दूर चला गया है, साथी दूर चला गया है, तो उसको वापस लाने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। इस तरह से परिवार दोबारा बसाया जा सकता है। बहुत खूब, अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए आज भी दिन बेहतर है, बस शर्त एक है कि आपका दिन मेहनत वाला होना चाहिए, टूरिंग वाला होना चाहिए, दूसरों की मदद वाला होना चाहिए, कमाने वाला होना चाहिए, घर परिवार वालों की मदद करने वाला होना चाहिए, नहीं तो अपने व्यवसाय के लिए ही कुछ आज खास करिए, क्योंकि खास ग्रह सपोर्ट कर रहे हों तो खास काम करने चाहिए, तो इसीलिए हर तरह से उत्तम है। बस किसी को दुख पहुंचाने वाली सोच नहीं पालनी, वरना आपका दिन खराब हो जाएगा। इसीलिए आज के दिन केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाएं, कुत्ते और कौओं को कुछ खाने को दें, इससे दिन और उत्तम होगा। कुंभ राशि वालों के लिए भी आज दिन उत्तम है। आज के दिन किसी भी तरह की प्लानिंग, पता है लाभ की तरफ आज आप ज़्यादा सोचेंगे, तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए उस लाभ को प्राप्त करने की। वो लाभ कई प्रकार के हो सकते हैं, वो रिश्तों के लाभ हो सकते हैं, नए संबंध बनाने के लाभ हो सकते हैं, नया काम करने के लाभ हो सकते हैं, या किसी से पैसा निकलवाने के लाभ हो सकते हैं, यानी कि हर लाभ के अंदर लाभ मिल रहा है। तो इसीलिए अपने जोश के साथ, अपने प्लानिंग के साथ काम करिए, आपके लिए अति उत्तम होगा। बस स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें, और आज के दिन चांदी का चकोर टुकड़ा जेब में रखेंगे तो ज़्यादा उत्तम हालात प्राप्त होंगे। मीन राशि वालों के लिए थोड़ा खट्टा मीठा दिन है। आज के दिन एक तरफ तो आपके हर तरह के काम काज, लाभ सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मन में असमंजस की स्थिति और लाभ के बाद हानि नजर आ रही है, तो इसीलिए विचलित होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ मंदिर जाकर भोलेनाथ को जल चढ़ाना, दो फूल अर्पित करना और थोड़े से चावल किसी गरीब को दान देना आपके दिन को शुभ कर सकता है। गुरुदेव, लव अफेयर अच्छा है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, लेकिन फैमिली की एक्सेप्टेंस नहीं है, उसके लिए क्या किया जा सकता है? ये भी बहुत सारे केस हैं। इसका रीज़न ये है कि जन्म कुंडली के पांचवें घर के अंदर बहुत अच्छा ग्रह बैठा है, लेकिन पापी है, और पापी ग्रह जब पांचवें घर के अंदर बैठता है, और वो पापी ग्रह कौन से होते हैं? पापी ग्रह होता है शनि, पापी ग्रह होता है शुक्र, राहु केतु यहाँ दो घड़ी वाला प्यार दे देते हैं, लेकिन वो रिलेशन नहीं बनाने देते हैं, ठीक है? तो ज़रूर शनि या शुक्र ही बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसी अवस्था के अंदर नौवें घर में भी ग्रह हो तो ये जागृत होते हैं, और सामने इनका मित्र बैठा हो तो लव मैरिज करके आदमी सुखी रहता है। लेकिन ये पापी ग्रह सूर्य को
मंगल को खराब कर देते हैं, सूर्य को खास तौर पे। और सूर्य क्या है? अपना पिता, अपने पिता का खानदान, वो सूर्य है। तो अपने माता पिता की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं मिलती और उस तरफ से अलग हो जाते हैं। तो अब शादी तो हो गई है, तो अब सूर्य को उच्च करिए और पापी ग्रह को दान करिए। तो इस तरह से वापस माँ बाप का प्यार, माँ बाप के घर का रिश्ता वो जुड़ना शुरू होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए आपको आटा और काले चने, ये आपको हर शनिवार को दान देना चाहिए, आटा और काले चने, ठीक है? या फिर साबुत बादाम है, वो महंगे पड़ जाते हैं दान करना, तो इनका आप दान करें। सूर्य को उच्च करने के लिए, अच्छा करने के लिए हर रविवार के दिन बंदरों को गुड़ गेहूं खिलाना, या छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, समझे, छोटी उम्र के बच्चे, आप कह सकते हैं कि 8 साल तक के, 9 साल, 10 साल तक के बच्चे मैक्सिमम, इनको अगर आप गुड़ की बनी हुई कोई भी वस्तु, कचक भी होती है और बथेरा कुछ होता है, ये अगर आप खिलाना शुरू करते हो तो इससे सूर्य अच्छा होने लगता है। और सूर्य को अच्छा करने के लिए महीने में एक बार अपने घर पे किसी भी सात्विक देवता का यज्ञ करना, ये भी सूर्य को उच्च करता है। तो बेटा, जब ये आप यज्ञ करेंगे, बच्चों को ये गुड़ की वस्तुएँ बांटेंगे या बंदरों को गुड़ गेहूँ देंगे, सूर्य उच्च का हो जाएगा। और इसके साथ आटा और काले चने का दान, ये जब आप करेंगे तो पापी ग्रह पांचवें घर से हटेंगे, वहाँ पर अपने प्रभाव को थोड़ा कमज़ोर करेंगे, जिससे कि सूर्य खेल के निकल के आएगा और बाप के परिवार के साथ संबंध बना ही देगा। बहुत खूब गुरुदेव, आखिरी सवाल, शादी हो गई लेकिन अब पति पत्नी में कलेश होना शुरू हो गया, तो क्या किया जा सकता है? ये दुनिया के मैक्सिमम केसों में है। उसका कारण ये है कि बेटा, एक कहावत है, कहते हैं दूर के ढोल सुहावने, तो जब तक जुड़े नहीं होते तब तक सारे ही अच्छे लगते हैं। जब शादी नहीं हुई होती, सिर्फ रिश्ता तय हुआ होता है, तो सास अपने दामाद के बारे में और उधर सास अपनी बहू के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और जब शादी हो जाती है, जब सुबह उठते ही आँखें मलते हुए उनको देखते हैं और उसका वो चेहरा जो हर वक्त सजा रहता था, चाहे लड़के का चाहे लड़की का, वो किसी और ही रूप में होता है। और जब चप्पल टेढ़ी पड़े होने पे कोई ना कोई चिढ़ता है, जब सलवटे बिस्तर पे पड़ी हुई के कारण कोई चिढ़ता है और कोई ऑर्डर जमाने की कोशिश करता है और दूसरा एक्सेप्ट करने से मना करता है, ये सारे पंगे तब पड़ ही जाते हैं। सास बहू को अच्छा क्यों कहती है? वो कहती है कि ये जल्दी उठेगी, मेरी सेवा करेगी और जो मैं कहूँगी वो करेगी। अब बहू वो मानने को तैयार नहीं है। दामाद, वो यही सोच के लेके आया था लड़का लड़की को कि भाई वो मेरा कहना मानेगी, मैं जैसे चलाऊंगा वैसे करूंगा, लेकिन लड़की जब कहती है कि नहीं, जो तुम डिमांड कर रहे हो वो गलत है, तो पंगा पड़ गया। इसी को विचारों के तालमेल खराबी बोलते हैं, ठीक है? या फिर इसके अंदर धोखा भी हो जाता है। धोखा ये, कई बार लड़का या लड़की फिजिकल रिलेशनशिप के काबिल ही नहीं होते, तो ऐसी अवस्था के अंदर शादी की जिसके लिए गई, अगर वही चीज़ ना मिली तो दिक्कत हो जाती है। पर ये सारी प्रॉब्लम आती कहाँ से? ये सारी की सारी प्रॉब्लम सहन शक्ति के साथ जुड़ी हुई है और शारीरिक अवस्था के साथ जुड़ी हुई है। तो सहन शक्ति कौन देता है? ये देता है चंद्रमा, ठीक है, अच्छापन। और शारीरिक क्षमता कौन देता है? ये देता है शुक्र। तो ये इनका खराब होना ही सारा मामला बिगाड़ देता है। तो इसी अवस्थाओं के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर एक विधान बनाया गया है कि अगर इस तरह के हालात हों तो औरत को बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। बृहस्पतिवार को जल चढ़ाना, पीपल को, ये अमृतमय माना जाता है औरत को अपनी गृहस्थी सुख बनाए रखने के लिए। और इसके साथ बृहस्पतिवार को व्रत रखेंगे तो लहसुन प्याज खाएंगे नहीं, तो अपने आप पापी ग्रह दूर रहेंगे। और साथ में कच्चा पीला सूत, ये कच्चा पीला सूत पीपल को साथ पर लपेटना, ये चंद्र, शुक्र, बृहस्पति, इन तीनों को अच्छा करके गृहस्थी सुख प्रदान करेगा, चाहे वो आपस में कलेश हो, गलत फहमियाँ हो या
दोनों में से एक को शारीरिक अवस्था में कोई दिक्कत हो जिससे कि अगर संबंध बनाने में दिक्कत आ रही है, इन सारे हिस्सों को ठीक करने के लिए ये पीपल की पूजा सबसे उत्तम उपाय माना जाता है। बहुत खूब, उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 999-999-0522। आप भी जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।